हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। गाइस, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वीनस का, शुक्र ग्रह का अलग अलग हाउसेज में रिजल्ट। फर्स्ट हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक वीनस के क्या रिजल्ट्स हैं, वीनस एक ह्यूमन की लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस के क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको वीनस की नेचर के बारे में बताना चाहूँगा। वीनस सोलर सिस्टम में एक फीमेल प्लैनेट है। वीनस टॉरस साइन और लिब्रा साइन इनके ऑन साइन हैं। पाइसिस साइन में वीनस एग्जाल्टेड होते हैं, विर्गो साइन में वीनस डेबिटेटेड होते हैं, यानी कि नीच के होते हैं। हॉरोस्कोप में वीनस का किसी अच्छे घर में होना और अच्छे जोडिक साइन में होना इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव देता है। हम जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, हमारा खाना, हमारा स्टेटस, हमारा मनी, कलयुग में पैसे को वीनस माना गया है। कलयुग में जो हम लग्जरी जी रहे हैं, जो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, ये सब वीनस के अंडर आती हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में बाय बर्थ हॉरोस्कोप में जितनी वीनस की प्लेसमेंट अच्छी होगी, उतना ज़्यादा लाइफ में आप लग्जरियस लाइफ जियोगे, उतने ज़्यादा मॉनेटरी गेंस आपको लाइफ में रहेंगे, उतने ज़्यादा आपका नाम, आपका फेमस होगा और आप ज़िंदगी में एक प्रोस्पेरिटी हासिल करोगे। गाइज, वीनस का क्या रोल है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में, आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। वीनस आपके स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस अगर आप अनमैरिड हो, आपकी गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके अफेयर्स को, आपकी लव मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपके फिजिक को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ब्यूटी को, आपके स्मार्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके वे ऑफ टॉकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, किस तरह का आपके अंदर अट्रैक्शन पावर है, ये भी वीनस है। तो गाइज, वीनस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम जुपिटर के बारे में अगर बात करें तो एक विजडम और नॉलेज का और ग्रोथ का प्लैनेट है, उसी तरीके से शुक्रदेव जो कि दैत्यों के गुरु हैं, इनका कलयुग में ह्यूमन पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर शुक्र किसी का डैमेज हो या शुक्र किसी का अच्छे हाउस में ना हो तो ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं जाती, मैरिटल सुख नहीं उनको मिलता, गर्लफ्रेंड उनकी उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाती या वाइफ उनसे उनकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। अगर किसी का वीनस एग्जाल्टेड है, ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है या अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत राइज करते हैं, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी जाती है, ऐसे लोगों की सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल होती है, ऐसे लोग लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। सो गाइज, आज मैं आपको फर्स्ट हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक वीनस की प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके नेटल चार्ट में फर्स्ट हाउस से ट्वेल्थ हाउस तक वीनस है तो क्या आपके लिए रिजल्ट आपको देगा और उस वीनस का आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव है। अब बात करेंगे टेंथ हाउस का वीनस। टेंथ हाउस का वीनस आपको मल्टीपल बिजनेस देगा अगर यहाँ पर एग्जाल्टेड है। अगर वीनस आपका टेंथ हाउस में है, यहाँ पर एग्जाल्टेड है, तो गाइज आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे और आप लाइफ में बहुत राइज करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। फ्रेंडली साइन में है या एक सॉलिड कंडीशन में आपके टेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो आपके लिए लेडीज रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और लकी रहेगा। फीमेल्स हमेशा आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगी अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो ऑपोजिट जेंडर मेल आपके ऊपर बड़ा अट्रैक्ट होगा, आप दिखने में बड़े स्मार्ट होगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़्यादा जबरदस्त होगी। नो मोर अबाउट प्लेसमेंट ऑफ द वीनस, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।